आज के सम को सिंप्लीफिकेशन में सरलीकरण चैप्टर से आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए 2018 से 2022 तक उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन पार्ट पार्ट करके आपको सॉल्व करा रहा हूँ। और ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का ये पार्ट थर्ड है। इसके पहले मैं आपको दो वीडियो पढ़ा चुका हूँ जिसमें मैंने आपको टोटल प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराया है। प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहां से जाकर के दोनों पार्ट को आप देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, लेवल टू कहें या स्टेज टू में 2022 में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न में दिया क्या है, अब देखिए प्रश्न नंबर पहले में ये इस तरह से दिया गया और पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा। देखिए जो करड़ी में 12 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, चार करड़ी में कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और ये देखिए करड़ी से फ्री हो जाएगा तो इसका मान कितना देगा, 2 देगा। 2 इसमें आके क्या हो जाएगा, मल्टीपल, यानी करड़ी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो इसके साथ आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 करड़ी में, और ये करड़ी में कितना बच जाएगा, 3 बचेगा। या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 गुणे कितना हो जाएगा, 3। ये दोनों क्या है, कड़ी में तो ही है, ये कड़ी से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो ये बाहर आएगा तो 2 देगा, 2 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो 10 हो गया, और 10 कड़ी में 3 आपका बचेगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको अगर मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं क्या, 9 इंटू कितना हो जाएगा, 3। अब ये कड़ी से फ्री हो जाएगा, जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आएगा, बाहर आएगा तो 3 आएगा, तो 3 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 कड़ी में 3 मिलेगा। अब ये देखिए जो कितना 75 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 3 लिख सकते हैं। और ये देखिए कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 20, और ये कड़ी में 3 आपका बच जाएगा, तो ये हो गया। अब देखिए इसको कैसे ब्रेक करके लिखेंगे, अगर एक चीज आपने ध्यान दिया होगा तो सभी में देखिए 3 3 3 दिख रहा है ना, अगर मैं इसमें 3 का डिवाइड कर दूं तो 3 × 6 = 18 और 3 × 6 कितना हो जाएगा, 12। तो जब इसका फैक्टर करेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखिए ये कड़ी से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 8, और बचेगा कितना आप बताएंगे, करड़ी में 3 बच गया। अब कि सभी में करड़ी में क्या है, 3 3 आपको दिख रहा है, कुछ इसमें प्लस है कुछ माइनस है, तो सभी को आप जोड़ना और घटाना है। अगर प्लस प्लस एक साथ ऐड कर लिया जाए, प्लस प्लस एक साथ ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26, 26 × 10 कितना हो जाएगा, 36। अब इसको देखिए इसमें से घटाएंगे, 36 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, 16 करड़ी में 3 इसका ये आंसर आ जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 में देखिए ऐसे क्वेश्चन में दिया गया और पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, लेवल 2 में पूछा गया 2022 में। देखिए सबसे पहले अगर ये आपको सीरीज दिख रही है तो इसको सॉल्व करके बताना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करिए, आप पहले वाले को पकड़िए, पहले वाले को हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं। अगर पहले वाले स्टेप के साथ जो होगा, पहले वाले स्टेप को सॉल्व करते हैं हम लोग, जो पहले वाले स्टेप के साथ होगा बाकी सभी सभी के साथ क्या होगा, वही स्टेप फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं पहले वाले को लिखूं तो 1/ कितना हो जाएगा, 1 + √2। अब देखिए यहां से इसका हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो इसका ये जो बटे में है ना, यही चीजें लेकर के हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे साइन रहता है उसका हम लोग अल्टरनेट साइन लेकर के मल्टीपल करते हैं, यानी गुणा करते हैं। तो यहां से देखिए 1 − √2 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको फार्मूला दिखेगा, a² − b² का आपको दिखेगा। जब इसको इसको करते हैं लोग तो एक बार दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, एक ब्रैकेट में जोड़ते हैं और एक ब्रैकेट में क्या करते हैं हम लोग, दोनों को घटाते हैं। तो इस रूप में देखिए आपको ये चीजें दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो इसके स्थान पे ये चीजें लिख सकती हैं। अगर लिखेंगे तो a² का मतलब कितना हो जाएगा, 1² करेंगे तो 1 मिलेगा, −b² b का मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और ये ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है, एक का गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा ही नहीं,
ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए अगर मैं इसको इसको यहाँ से घटाऊँ तो ये कितना मिलेगा, माइनस का वन मिलेगा। अब देखिए इस माइनस नीचे है ना, तो माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस का मल्टीपल करेंगे, तो ये माइनस से माइनस यानी प्लस हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीपल करेंगे यहाँ से माइनस का, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, प्लस का रूट टू हो जाएगा। यानी पहले वाले स्टेप को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसके स्थान पे ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसके स्थान पे लिखना चाहूंगा तो माइनस वन और प्लस कितना हो जाएगा, ये रूट टू लिख सकते हैं। तो जो स्टेप पहले वाले के साथ होगा, जो स्टेप पहले वाले के साथ होगा बाकी सभी के साथ वही स्टेप फॉलो करेंगे। इसमें देखिए हुआ क्या, पहला वाला माइनस हो गया और दूसरा वाला ऐसे ही है, तो सेम इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, पहला वाला माइनस में हो जाएगा और दूसरा वाला क्या रहेगा, प्लस में ही रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सभी को अगर आप सभी स्टेप को ऐसे लिखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम लोग पहले वाले स्टेप को सॉल्व करके देखते हैं, यानी पहले वाले को लेकर के सॉल्व करके देखते हैं कि इसका मान कितना आता है। जो भी इसका मान आएगा वही आगे वाले में भी फॉलो करेंगे। तो इसको अगर मैं लिखना चाहता हूं तो माइनस वन हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। अब इसको भी लिखना चाहेंगे तो पहला वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या रहेगा, ये प्लस में रहेगा। इसको भी लिखना चाहते हैं तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस रूट थ्री हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या रहेगा, ये प्लस में ही रहेगा, प्लस फोर। इस तरह से ये डॉट 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 आपको मिलेंगे। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो पहला वाला क्या रहेगा, माइनस रहेगा, नहीं पहला वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस में, तो माइनस में ये कड़ी में 15 हो गया, और दूसरा वाला क्या रहेगा, प्लस में ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कड़ी में 16 ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें कुछ टर्म कटेंगे, प्लस माइनस का, प्लस माइनस का, प्लस माइनस का, इस तरह से ये कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ से माइनस वन बच गया और इसका मतलब कितना होता है, ये फोर होता है। तो यहाँ से माइनस वन और प्लस फोर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये थ्री मिलेगा। इस पूरे का मान किसके बराबर होगा, थ्री के बराबर होगा। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और ये प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न नंबर थर्ड में ये इस तरह से दिया गया, और पूरे की पावर कितना दिया गया, जीरो, पावर की पावर कितना दिया गया, जीरो, प्लस एट का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। तो एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे सीख लीजिएगा, घातांक कड़ी का एक नियम होता है कि अगर किसी भी संख्या की पावर क्या हो, जीरो, किसी भी संख्या की पावर जीरो हो तो इसका मान हमेशा कितना मिलता है, एक मिलता है, हमेशा कितना मिलता है, एक मिलता है। आप देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, बिना सॉल्व करे आप बता सकते हैं कि इसका मान कितना होगा। अब यहाँ से जो भी संख्या आपको मिलेगी, अब इस पूरे की पावर कितना है, जीरो है। तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर किसी भी संख्या की पावर जीरो हो तो उसका मान हमेशा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो यहाँ से जो भी संख्या मिलेगी इसकी पावर जीरो है ना, तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। और यहाँ पे कितना दिया गया, प्लस एट दिया गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये नाइन मिलेगा। तो देखिए इसका पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर फोर देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर फोर में ये इस तरह से क्वेश्चन में दिया गया, आपसे पूछा क्या, मान ज्ञात कीजिए। अगर आप आंसर पे नजर डालेंगे तो सभी में क्या, कड़ी में सिक्स, कड़ी में सिक्स, कड़ी में सिक्स, सभी में दिया गया है। और ये भी प्रश्न देखिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अब देखिए इसको अगर आप लिखना चाहते तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। तो फाइव कड़ी में कितना हो जाएगा, ये सिक्स ही मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, घटाऊंगा, जब इन दोनों को घटाऊंगा तो दो मिलेगा, दो का इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कड़ी में कितना हो जाएगा, दो तीन छः हो जाएगा, सिक्स मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे भी मुझे करना क्या, सिक्स के रूप में लिखना है, कड़ी के सिक्स के रूप में लिखना है। अगर ऊपर नीचे मैं क्या कर दूँ, रूट सिक्स का क्या कर दूँ, मल्टीपल कर दूँ, तो जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना देगा आपको, सिक्स देगा। कितना देगा, ये सिक्स देगा। सिक्स से बारह डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, दो बार, छः दुना बारह और कितना हो जाएगा, कड़ी में टू, तो प्लस छः दुना बारह और ये कड़ी में टू, सॉरी कड़ी में ये सिक्स बचा है, तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ेंगे, सात, सात कड़ी में कितना हो जाएगा, सिक्स, और ये इसको घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, सिक्स कड़ी में सिक्स आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
इसको जब जोड़े घटाएंगे तो इसका मान इतना आएगा। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में ये इस तरह से दिया गया का मान ज्ञात कीजिए, और ये भी प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे स्क्वायर की जरूरत होगी, तो आप मेरे कहने पे क्या करिए, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर अगर याद कर लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा, ताकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी रहेगी, और कोई बात नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 1 से 50 तक क्या करेंगे, आप सभी संख्याओं का स्क्वायर याद कर लेंगे। अब देखिए जैसे अगर आपको स्क्वायर याद रहेगा तो आपको ये प्रश्न सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे तो मुझे याद है, लेकिन अगर आपको भी याद रहेगा तो इस प्रश्न को सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये कितने का स्क्वायर होता है आप बताएंगे, सर ये 27 का स्क्वायर होता है, 27 का। और ये कितने का स्क्वायर होता है आप बताएंगे, सर ये 41 का स्क्वायर होता है, आप यहाँ पे लिख लीजिए 41 का स्क्वायर। और ये कितने का स्क्वायर होता है, 576/24 का स्क्वायर होता है, ये आपको पता होगा। और ये देखिए 18/49 है ना, तो ये कितने का स्क्वायर होता है, ये होता है 43 का स्क्वायर होता है। मैं आपको कभी स्क्वायर कैसे निकालते हैं आपको बता दूंगा, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं एक अलग से वीडियो कभी आपको बना के दे दूंगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपको जोड़ना और घटाना है, अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना मिलेगा, ये माइनस का टू मिलेगा। और 2 अगर मैं इसमें से क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे कितना बच गया 24, तो 25 और 24 कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। ये इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 में ये इस तरह से √2 इस तरह से दिया है, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 इस तरह से ये डॉट डॉट करके आपको दिया गया, इसका मान आपसे पूछा गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले, तो वैसे तो मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दिया था कि इस तरह के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपको करना है कि यहाँ पे ये जो संख्या दी गई है ना, इसको क्या करेंगे आप, ऐसे ब्रेक करेंगे, तो इसको 1 × 2 यानी ऐसा ब्रेक करना है ताकि इनके बीच का डिफरेंस कितना मिले, 1 मिले। यानी यहाँ पे जो भी संख्या दी रहेगी आपको उसका ऐसा गुणनखंड करना है या ऐसा फैक्टर करना है ताकि जिनके बीच का डिफरेंस कितना आए, 1 आए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका गुणनखंड करने के बाद, अब इसके बाद आपको दूसरी बात ये ध्यान में रखना होगा कि अगर यहाँ पे प्लस प्लस साइन है ना, तो बड़ा वाला गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस 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 लगे रहते तब इसका क्या आता, छोटा वाला गुणनखंड इसका आंसर, तब इसका आंसर कितना आता, 1 होता, जब यहाँ पे ये माइनस 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 लगा रहता। और देखिए जब मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दिया था, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो में सॉल्व कराया था कि प्लस प्लस रहे, माइनस माइनस रहे, या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस से हो, यानी स्टार्टिंग प्लस से हो माइनस प्लस माइनस, या स्टार्टिंग माइनस से हो माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसी वीडियो मैंने आपको एक बना के दे रखा है। हो सके तो मैं अगर ढूंढूंगा, वीडियो मिलेगी तो मैं आपको वीडियो के लिंक आपको नीचे पिन कर दूंगा, तो वहां से जाकर के आप उस वीडियो को आप देख लेंगे। तो इस तरह के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको सभी वहां पे करा रखा है, जो भी कंडीशन बनती है सब कुछ मैंने इसमें A to Z सब कुछ बता रखा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 में ये इस तरह से दिया गया, इसका मान किसके बराबर होगा आपसे ये पूछा गया है। और ये प्रश्न देखिए NTPC में पूछा गया 2021 में। देखिए ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पीछे से सॉल्व करते हैं, हमेशा कहाँ से सॉल्व करते हैं, पीछे से सॉल्व करते हैं, आगे से हम लोग नहीं सॉल्व करते, हमेशा पीछे से सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए जो 16 है ना, अगर ये कड़ी से फ्री होगा तो ये कितना मान देगा, 4 देगा। अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये फिर कितना हो जाएगा, कड़ी में 16 मिलेगा, यानी इस पूरे के स्थान पे कितना आ जाएगा, 16, कड़ी में 16। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा, 4 देगा। अब देखिए इसको मैं अगर जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, ये 225, कड़ी में 225। और ये जब कड़ी से फ्री होगा तो 225 कितने का स्क्वायर होता है आप बताएंगे, सर 15 का होता है। तो जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा, ये 15 देगा। अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 25, कड़ी में कितना आ गया, 25 आ गया।
देखिए जब कड़ी में 25 है, ये फ्री होगा कड़ी से, तो इसका मान कितना देगा, ये 5 देगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 में निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान आपसे पूछा गया, यानी इसका मान आपसे धनात्मक वाला पूछा गया है। देखिए कड़ी में 56, कड़ी में 56, कड़ी में 56, कड़ी में 56 आपको इस तरह से दिया गया है। अभी मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आपको ऐसे मिले तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, और फैक्टर ऐसा करेंगे कि जिनके बीच का डिफरेंस कितना मिले, 1 मिले। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 × 8 लिख सकते हैं, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मिलेगा, 1 आपको मिलेगा। ऐसा करने के बाद अब ये चेक करिए, प्लस प्लस साइन है ना, तो बड़ा वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगर माइनस माइनस रहते तब छोटा वाला फैक्टर आंसर आता, लेकिन प्लस प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में, सेम पीछे वाले की तरह ही सॉल्व होगा। तो इसका भी क्या करेंगे, आप ऐसा फैक्टर करेंगे ताकि जिनके बीच का डिफरेंस यानी अंतर कितना मिले, आप बताएंगे सर 1 मिले। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ये देखिए प्लस प्लस साइन है ना, तो बड़ा वाला फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए सेम पीछे वाले की तरह है, बट यहाँ पे माइनस माइनस का साइन लगा है। तो इसका क्या करेंगे, आप फैक्टर ऐसा करेंगे ताकि जिनके बीच का डिफरेंस कितना मिले, 1 मिले। तो यही तो होगा, इनके बीच का अंतर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर ये माइनस माइनस साइन है तो छोटा वाला फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया। और देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि इसमें और भी कंडीशन की क्वेश्चन बनती है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं उस वीडियो का लिंक, अगर मिलेगा वो वीडियो आप मिलेगा मुझे, तो मैं उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, जहाँ पे आप कमेंट करते हैं वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में। बहुत सारी इसमें कंडीशन होती है, अगर ये प्लस हो जाए, माइनस प्लस माइनस इस तरह से हो जाए तो क्या करेंगे, या स्टार्टिंग माइनस से हो जाए तो क्या करेंगे, सब कुछ मैंने वो वीडियो में आपको बता रखा है। वीडियो का लिंक मैं ढूंढूंगा, अगर मिल जाएगी तो पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 में ये इस तरह से दिया गया और पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। देखिए जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसमें दो दो का पेयर बनेगा, और ये कितने का स्क्वायर होता है, आप बताएंगे सर 8 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे एक पेयर यहाँ पे बनेगा 00 के साथ, एक पेयर यहाँ पे बनेगा जब ये कड़ी से बाहर रहेगा, तो कुछ इस तरह से आपका मिलेगा। अब देखिए इसका करना कि आपको क्यूब रूट आपको निकालना, इसका क्या करेंगे, आप क्यूब रूट निकालेंगे। तो ये यहाँ पे आप 3 का पेयर बनेगा, क्यूब रूट 3 का पेयर बनेगा, ये कितने का क्यूब होता है, आप बताएंगे सर 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। अगर ये क्यूब रूट है तो अब यहाँ पे 3 का पेयर आपको बनाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर स्क्वायर रूट निकालना तो हम लोग 2-2 का पेयर बनाते हैं, जब क्यूब रूट निकालना तो हम लोग कितने का पेयर बनाते हैं, 3-3 का पेयर बनाते हैं, 3 का पेयर हम लोग बनाते हैं। तो ये तो 2 आ जाएगा, और ये कड़ी में यानी पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन का मैच कर रहा है। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 में ये इस तरह से दिया गया, को सरल करें। अब देखिए जब यहाँ से इसको करेंगे तो ये कितने का स्कोर होता है, आप बताएंगे सर 15 का स्कोर होता है। तो इसको 1.5 का आप क्या ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, और ये पूरे का क्या हो जाएगा, पावर के यानी 1/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते नहीं लिख सकते 225 को, जब इसको प्रसार करेंगे तो फिर से आपको यही चीज़ें मिलेंगे। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए 1 का गुणा करेंगे यानी इसकी पावर 1, तो मतलब कोई होगा नहीं, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 1.5। अगर किसी भी संख्या की पावर 1 है तो इसका मतलब कोई होगा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर 1.5। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2017 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 13 अगेन टाइप हो गया है। अब यहाँ से देखेंगे तो प्रश्न नंबर 13 में ये इस तरह से दिया गया और इसका मान पूछा गया किसके इक्वल होगा, और ये भी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में।
देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले वाले स्टेप को सॉल्व करके देखिए कि इसका मान कितना आ रहा है, तो बाकी सेम क्या करेंगे आगे वाले स्टेप में वही काम करेंगे हम लोग। अगर पहले वाले स्टेप को मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाऊं, तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊं तो कितना दिया गया, कर्ड़ी में 5 दिया गया है बटे कर्ड़ी में 3 माइनस कर्ड़ी में कितना दिया गया, 2 दिया गया। अब इसके कॉन्जुगेट से आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अगर माइनस साइन है तो क्या करेंगे प्लस साइन लेकर के आप ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कर्ड़ी में 3 प्लस ये कितना हो जाएगा कर्ड़ी में 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसको देखेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है, तो पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 2, जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, तो नीचे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसको देखेंगे तो इसका क्या करेंगे आप इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा कर्ड़ी में 15 हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा कर्ड़ी में 10 हो जाएगा। एक का कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट आपका यही आएगा, एक आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले वाले स्टेप को हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमको ये चीज़ें मिली कि यही चीज़ आप क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, यही चीज़ आप ऊपर नीचे ऊपर लिखेंगे कॉन्जुगेट करके, तो कर्ड़ी में 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए पहले वाले स्टेप में देखिए हमको यही चीज़ तो लास्ट में मिला, तो इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, आगे वाले स्टेप के साथ भी हम लोग क्या करेंगे इसी तरह से लिखेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले यहाँ से इनका डिफरेंस कितना मिलेगा, इनका डिफरेंस आप बताएंगे कि 1 मिलेगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क होगा नहीं, तो इसका मल्टीपल करिए, जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा कर्ड़ी में 15 और प्लस कितना हो जाएगा कर्ड़ी में 10 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई, इसका बटा एक है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब कि इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे ए का स्क्वायर, और यहाँ से क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कर्ड़ी में 5 प्लस कितना हो जाएगा कर्ड़ी में 2 हो जाएगा। यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ऊपर नीचे हम लोग कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे तो यही चीज़ें आएंगी इससे, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और ये देखेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का रूप का दिखेगा, तो ए का स्क्वायर करेंगे 5 मिलेगा, बी का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 2 मिलेगा, और इनका जब डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा 3 आपको मिलेगा, 3 आपको मिलेगा, और ये 3 से 3 क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका आप इसमें मल्टीपल करेंगे, और पहले क्या माइनस है ना, तो इसका इसमें मल्टीपल करिए, तो माइनस में कितना हो जाएगा आप बताएंगे सर माइनस में 15 हो जाएगा, और इसका भी क्या करेंगे इसमें मल्टीपल करेंगे लेकिन माइनस हो जाएगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा ये 6 हो गए। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जो 8 है 4 × 2 लिख सकते हैं, और 4 कर्ड़ी से बाहर हो जाएगा तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 2 कर्ड़ी में 2 आप इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे हम लोग गुणा करने की जरूरत नहीं, हम लोग ऊपर ही डायरेक्ट मल्टीपल करते हैं, तो कर्ड़ी में 5 कर्ड़ी में कितना हो जाएगा 5 माइनस कर्ड़ी में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखूंगा सेम चीजें, और ये ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का रूप का आपको दिखेगा। देखिए ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा, और बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा ये 2 मिलेगा, तो कहने का मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो बचा कितना √2, इसमें मल्टीपल करिए, जब इसमें मल्टीपल करेंगे और पहले क्या माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस √ कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो कट रहे हैं उनको काटिए, प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस ये भी कट गया, तो बचा क्या 0, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आएगा। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन मैच का है, ग्रुप डी का क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही अपने आप में थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 में ये इस तरह से दिया गया, सरलीकृत रूप बताइए। अब देखिए ऊपर भी ये दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, ऊपर भी नीचे भी, तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पे लिखा है ए की पावर कितना लिखा है m, बटे ए की पावर कितना लिखा है m, इसको आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चला जाएगा कहाँ, ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर m,
और ये कितना हो जाएगा, ए की पावर माइनस एन। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। अगर इनके बेस समान है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से ए की पावर कितना हो जाएगा, एम माइनस एन। यानी इस चीज़ को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इस चीज़ को आप डायरेक्ट ये चीज़ लिख सकते हैं, ये जाएगा ऊपर तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी। तो ए की पावर कितना हो जाएगा, एम माइनस एन हो जाएगा, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ये भी आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा करके दिखा दिया था। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है ए की पावर एम बटे ए की पावर कितना लिखा है, माइनस में, इस बार माइनस क्या लिखा है, एन लिखा है। जब माइनस एन लिखा है ना, तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ए की पावर इस बार प्लस में हो जाएगी, तो एम प्लस कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया माइनस में दिया गया और यहाँ पे देखिए प्लस में दिया गया, अगर कंपेयर इससे किया जाए तो ये पावर जाके ऊपर जुड़ जाएगी, तो ए की पावर कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर 15 हो जाएगी। बी वाले को लिखेंगे तो यहाँ से ये बी की पावर नीचे प्लस है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो बी की पावर देखिए पहले से -7 है और -2 जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा, ये 9 मिलेगा। सी वाले में देखेंगे इंटू सी, अब ये पावर जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सी की पावर कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, पहला वाला ऑप्शन इसका मैच करा, ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 में ये इस तरह से दिया गया और पूछा का मान किसके बराबर, इनमें से किसके बराबर होगा। तो जहां पे ए उसके स्थान पे आप ये चीजें रखेंगे, जहां पे बी उसके स्थान पे आप ये चीजें रख के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर देखिए आप रख के सॉल्व करेंगे तो जहां पे ए है उसके स्थान पे कितना रखेंगे, ये चीजें, तो यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 कड़ी में 7 हो जाएगा। 3 कड़ी में आप 7 आप यहाँ पे लिखिए, क्या लिख सकते हैं इसको, 3 कड़ी में 7 लिख लीजिए। अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा तो 3 कड़ी में 7, अब देखिए इसके साथ लिखेंगे बी के स्थान पे कितना लिखेंगे, इतना, तो प्लस 2 कड़ी में कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। अब बटे में क्या करेंगे, बटे में इसको लिखेंगे, बटे में आप इसको लिखिए, जब बटे में इसको आप लिखेंगे यहाँ से तो ए के स्थान पर कितना रखेंगे, ये चीजें रखेंगे, तो 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 कड़ी में 7। और देखिए इसके बाद माइनस 2 कड़ी में कितना हो जाएगा, 3 मिलेगा। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। सबसे पहले ये देखिए कि लास्ट में मुझे कितना, यानी 3 कड़ी में 21 चाहिए, 21 चाहिए, तो 3 कड़ी में 21 तो यहाँ कैसे हो सकता है। ऑप्शन में देखिए तो 3 कड़ी में 21 दिया गया, 3 कड़ी में 21 आपको दिया गया, लेकिन अगर आप देखना चाहते तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करिए। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग क्या कर दें, अगर मुझे 21 ही बनाना है ना, 21 ही कड़ी में बनाना है, तो ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर नीचे हम लोग क्या कर दें, 3 कड़ी 7 से मल्टीपल कर दें, 3 कड़ी 7 से हम लोग क्या कर, सॉरी 3 कड़ी 3 से, यहाँ पे देखिए इतना चीज है कि नहीं, तो हम लोग 3 कड़ी 7 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीपल कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे हम लोग क्या कर दें, ताकि मुझे ये वाला 21 चाहिए, तो ऊपर नीचे 3 कड़ी 7 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीपल करेंगे। जब इनका मल्टीपल करेंगे, ऊपर नीचे क्या करिए आप, 7 का मल्टीपल करेंगे, तो 3 कड़ी में 7 और यहाँ से 3 कड़ी में 7, इसके साथ जब मल्टीपल करेंगे तो 3 से 3 हट जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 7 3 का 21 मिलेगा, 21 आपको मिलेगा। और इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो 3 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 में कितना हो जाएगा, ये 21 आपको मिलेगा। इसके साथ करेंगे तो 3 7 3 7 3 हट जाएगी, 7 3 का कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। माइनस इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 में 21 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर देखिए मैं करूं क्या, यहां से अगर देखा जाए ऑप्शन तो इस फॉर्मेट में दिया नहीं, 2-2 के फॉर्मेट में दिया गया। अगर हम लोग इसमें से क्या करें, 3 कड़ी 21 कॉमन ले लें, 3 कड़ी 21 क्या करें, दोनों में से कॉमन ले लें, तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जो 21 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 21 को हम लोग √21 × √21 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क है क्या, आप बताएंगे नहीं सर कोई फर्क नहीं, तो 21 के स्थान पे ये चीजें आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर √21 √21 लिखा जाए तो दोनों में √21 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अगर √21 इसमें से कॉमन ले लेंगे, √21 हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन ले ले रहे हैं,
रूट 21 हम लोग क्या करें, कॉमन ले ले रहे हैं यहां से, तो अंदर क्या बचेगा, यहां से रूट 21 बचेगा और यहां से प्लस 2 का बचेगा, प्लस 2 बचेगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब नीचे वाले में क्या करेंगे, इसके स्थान पे भी तो ये चीजें लिख सकती हैं, और 21 रूट 21 रूट 21 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से जब रूट 21 आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहां से रूट 21 बच जाएगा, रूट 21 बचेगा और माइनस कितना बचेगा, ये 2 बचेगा। तो रूट 21 से रूट 21 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ यही बचेगा, यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, ये आगे पीछे लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। नीचे देखिए माइनस में 2 और 21 रूट 21, माइनस में 2 तो माइनस 2 यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, तो ये तो होंगे नहीं, माइनस का 2 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए माइनस, लेकिन दोनों दोनों तो माइनस है नहीं, ये वाला क्या प्लस में, तो ये क्या प्लस में, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला भी मिला सकते हैं, इसको आगे पीछे लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया है, प्रश्न अच्छा प्रश्न है।